तो गाइस क्या आप लोग भी अपनी लोकेशन जो है व्हाट्सएप पे किसी के व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं और वो सामने वाला आप आपसे कह रहा है कि अपनी लाइव लोकेशन भेजो, हमको आपको देखना है कि आप इस पर टाइम कहाँ पे हैं। तो गाइस इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइव लोकेशन उसको भेज के सामने वाले को बताते हैं हम यहाँ पर हैं। या फिर गाइस क्या होता है, जैसे कि कोई कहीं से दूर से आ रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि भैया मेरे पे लोकेशन भेज दो, हम आपको देखते रहेंगे आप कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये गाइस लोकेशन भेजने का फ़ायदा होता है। तो गाइस आज मैं पूरी प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम लोग लाइव लोकेशन को कैसे भेजते हैं और किस प्रकार से लाइव लोकेशन भेजी जाती है सामने वाले के पास में, जिससे पता चल जाए कि वो सामने वाला बंदा कहाँ पर है। तो चलिए गाइज़ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें देता हूँ कि हम लोग लाइव लोकेशन को कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाइज़ अपने व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे जाने के बाद में गाइज़ क्या होता है, हम यहाँ पे अपनी लाइव लोकेशन भेजेंगे। चलिए एक नंबर गाइज़ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और नंबर को सेलेक्ट करने के बाद में गाइज़ अब हमको यहाँ पर लाइव लोकेशन भेजना है। गाइज़ हम यहाँ पर अपनी जो लोकेशन भेजेंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजेंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला आप लोगों को दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक लोकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, इस लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोगों के पास अगर आपने इससे पहले कहीं लोकेशन नहीं भेजी है तो गाइस आप लोगों के पास में कुछ अलाउ करने के लिए कुछ ऑप्शन आ सकते हैं, आप लोग वहाँ से उसको अलाउ कर देना। और अलाउ करने के बाद में गाइस आप लोगों का इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जब इंटरफेस ऐसा ओपन होके आ जाएगा तब उसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइव लोकेशन जो दिखा रहा है ये मेन लाइव लोकेशन है। आप जो जहाँ पे होंगे आप वहीं पे होंगे। जिस प्रकार का ये सर्किल आप लोगों को दिख रहा है ये लाइव लोकेशन का है गाइस। अब हमको लाइव लोकेशन यहाँ से भेजना है, सेंड करना है, तो कैसे गाइस सेंड करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर लाइव लोकेशन, आप लोगों को शेयर लाइव लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में गाइस क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे तीन ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट, 1 आवर और 8 आवर्स के लिए। गाइस आप कितनी देर के लिए उस पर लोकेशन सामने वाले पर भेजना चाहते हैं वो गाइस यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में, तो चलिए गाइज़ मैं यहाँ से अपना 15 मिनट के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइज़ 15 मिनट के लिए सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग जब यहाँ से शेयर कर देंगे तब गाइज़ क्या होगी, आपकी यहाँ से लाइव लोकेशन जो है वो सामने वाले के पास में पहुँच जाएगी। और गाइज़ मैं आप लोगों को कुछ कुछ बता देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपने लोकेशन तो भेज दी है, अब लोकेशन अगर जैसे कि हमने लोकेशन किसी पर भेजी है और हमने अपना नेट को तुरंत बंद कर दिया है तो गाइस सामने वाला आपकी लोकेशन नहीं देख पाएगा, क्यों आप लोगों की लोकेशन सामने वाला वहीं तक देख पाएगा जहां पे आप थे। अगर उसके आगे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं या चल रहे हैं गाइस तब आप वहां पे उसकी लोकेशन लाइव लोकेशन आप उसकी नहीं देख पाएंगे। इसलिए गाइस सामने वाले के फ़ोन में भी और आपके फ़ोन में भी जो आपका नेट है वो ऑन होना चाहिए, तभी गाइस ये लोकेशन जो है लाइव लोकेशन आप किसी की देख सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस ये पूरी जानकारी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो कुछ नॉलेजफुल लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।